कांग्रेस ने राजस्थान से कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस जब केंद्र में थी तो डर डर कर सरकार चलाती थी। कांग्रेस राज में आतंकी हमले के बाद विदेश से ऐसे जाते थे, हमारे यहां बम फूट गया, हमारे यहां लोगों को मार दिया, हमारे यहां गोली चल गई, वो मदद की गुहार लगाई जाती थी। आज भाजपा सरकार में आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा जाता है। ये हमारी सरकार है जिसने वीरता को पचाना भी सीखा है और वीरों का सम्मान भी सीखा है, और इसलिए हमारी सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का वादा पूरा किया। कांग्रेस ने 500 करोड़ का बजट दिखाकर वन रैंक वन पेंशन का झूठा वायदा करती थी, भाजपा सरकार वन रैंक वन पेंशन लाकर अब तक 90,000 करोड़ रुपए हमारे जवानों के खाते में जमा करा चुकी है। मेरे परिवारजनों, जब मुख्यमंत्री अपने पूरे कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते रहे, कुर्सी कैसे बचे, 5 साल वो कुर्सी बचाने में लगे रहे। जब दिल्ली दरबार राजस्थान में अपने ही नेता की कुर्सी गिराने में जुटा रहेगा, तब गली गली गांव गांव में ऐसी ही अराजकता फैलेगी जैसी राजस्थान में फैल रही है। कांग्रेस ने राजस्थान के नौजवानों को पूरी तरह से पेपर लीक माफिया के हवाले छोड़ दिया। राजस्थान में परीक्षा हो और पेपर लीक ना हो, ये असंभव सा हो गया। पेपर लीक माफिया के तार सीधे सीधे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से जुड़े हैं। अभी तक तो काले कारनामों की लाल डायरी के ही चर्चे थे। अब लाल डायरी खुलने लगी है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा कि नहीं पढ़ा? वो तो कहते थे लाल डायरी फेंक है, अब उन्हीं के अक्षरों में लाल डायरी बढ़ चढ़ करके बोल रही है। क्या ये लाल डायरी पढ़ने के बाद एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? एक भी कांग्रेसी जीतना चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा राजस्थान के लोग, इस चुनाव में कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आए तो उसको दो सवाल जरूर पूछे। एक, लाल डायरी का माजरा क्या है बताओ, ये लाल डायरी है क्या, ये लाल डायरी किसकी है, ये पहले तो तुम लाल डायरी का मना करते थे, अब तो सब निकलने लगा है, पूछोगे? हर कांग्रेस वाले घर घर आए तो पूछोगे? आप तो देखे होंगे कि कुछ लोग जब ऐसे मैदान में उतरते तो कभी कभी बात करते हैं कि भाई तुम्हारा क्या लगता है चुनाव में, तो बोले देखो मेहनत तो करता हूं, आखिर तो लक पे है। क्या कहते हैं? लक पर है, लक की बात करते हैं, नसीब कहते हैं कि नहीं कहते? भाई मैं करी एग्जाम देकर के आया, अब तो बाकी तो लक पर है, कितने मार्क आएंगे, ऐसा ही कहते हैं ना। अब कांग्रेस में ऐसा नहीं कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार लॉकर तो नहीं खुलेगा ना। अब वो लक की बात नहीं करते,
उनको चिंता है कहीं लॉकर न खुल जाए और कहीं मोदी की नजर न पड़ जाए। लॉकर खुल रहे हैं लॉकर, और लूटा हुआ माल नजर आने लगा है। यहां राजस्थान में भी लॉकर से रुपयों का ढेर, और खाली रुपये नहीं, ढेर सारा सोना, किलो किलो के हिसाब से सोना। आपको विश्वास है ना, सोना वो आलू वाला सोना नहीं है, ये चोरी किया हुआ सोना है, आलू वाला सोना नहीं है, वरना तो जाकर के लिखवा देंगे ये तो हमने आलू से बनाया हुआ सोना रखा था। मुझे बताइए, ये लूट वो करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? आपको सजा देने का मौका मिला है, सबसे पहले सजा देने का मौका आपको मिला है। कमल के निशान पर ऐसे बटन दबाओ, ऐसे बटन दबाओ कि उनको सजा पक्की हो जाए। जैसे उनको फांसी दे रहे हो ना, ऐसे कमल के निशान पर बटन दबाओ। जब मोदी इस घोटाले की जांच करवा रहा है तो हमारे गहलोत साहब मुझे ही कोस रहे हैं। अब ये लोग चाहे कितनी ही गालियां दे, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई तो होकर ही रहेगी। जिन्होंने लूटा है उन्होंने लौटाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जिन्होंने लूटा है उनको जेल जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? उनका हिसाब पक्का होगा कि नहीं होगा? ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप लोगों ने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है ना, तो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, ये मोदी की आपको गारंटी है। जो आपने कहा है वो मोदी करके रहेगा।